जहानाबाद में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासनिक अमला लगातार कार्रवाई में जुटा हुआ है ताकि राहगीरों को और सड़क पर चलने वाले वाहनों को जाम की समस्या से छुटकारा मिले। इसी कड़ी में एक बार फिर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जहानाबाद जिला प्रशासन का डंडा चला और NH 83 के किनारे से दर्जनों फुटपाथी दुकानदारों को हटाया गया। इस दौरान कई दुकानदार सहित ठेला पर सामान बेचने वालों से जुर्माना भी वसूला गया। मामला नगर थाना क्षेत्र का है। दरअसल अतिक्रमण के कारण जहानाबाद से होकर गुजरने वाले पटना गया मुख्य मार्ग NH 83 पर जाम की समस्या खड़ी हो जाती है। पैदल चलना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। जाम को खत्म करने के लिए मंगलवार को नगर परिषद के अधिकारियों की टीम ने अरवल मोड़ से अस्पताल मोड़ तक हाट पर अभियान चलाकर ऐसे दुकानदारों से जुर्माना वसूला जो अतिक्रमण कर सड़क पर अपना दुकान लगा रहे थे। अभियान में शामिल अधिकारियों ने बताया कि ज्यादातर दुकानदारों ने नाले पर ही अपनी दुकान लगा रखी है। इससे न तो नाले की साफ सफाई संभव हो पाती है और न लोगों को आने जाने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है। वहीं बरसात में नाला का पानी सड़क पर फैलने लगता है नाले की सफाई नहीं होने से, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। अधिकारियों द्वारा चलाए गए इस अभियान से NH पर काफ़ी देर तक हड़कंप मचा रहा। लोग अपने ठेला खोमचा लेकर इधर उधर भागते नजर आए। जहानाबाद न्यूज़ के लिए मुकेश की रिपोर्ट। बरसात के मौसम से पहले नगर परिषद के द्वारा नाली उड़ाही का अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पे नाली के ऊपर इन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी वजह से नाली उड़ाही करने में बहुत दिक्कत होती है और बारिश होने पे नाली से पानी बाहर आ जाता है। और हम लोग नगर परिषद का स्टाफ वाला भी आता है तो उसे यहाँ पे दिक्कत होता है नाली सफाई कराने में, यहाँ तक की सफाई आम साफ सफाई करने में भी दिक्कत होता है। उसी लिए ये अतिक्रमण मुक्त करके का अभियान चलाया जा रहा है नगर परिषद। कहाँ से कहाँ तक चलाया जा रहा है? ये हम लोग पहले अरवल मोड़ से चल रहे थे, अब उसके बाद फिर हॉस्पिटल मोड़ अंदर तक अभी हम लोग चले। हमेशा कैसे होता है? हम नहीं आते, हम क्या रोजान वाली का हम क्या?